भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों से सांसद व विधायकों ने पहुंचकर लिया भाग। निषाद समाज को राजनीतिक व शैक्षिक सहित राजनीति में मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद नौसर से पदयात्रा कर पहुंचे राप्ती नदी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ नदी में छोटे मछलियों को डाला। कहा, उत्तर प्रदेश की नदियों में डाला जा रहा है 1 करोड़ मछलियां, नदियां होंगी स्वच्छ। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस की यूपी यात्रा पर कसा तंज। कहा, देश का बंटवारा करने वाले देश को क्या जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 300 फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में गोरखपुर बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल की मंडलीय रबी उत्पादकता का किया गया गोष्ठी। कृषि स्टालों का किया निरीक्षण। कहा, किसान भाइयों ने रबी की फसल को बढ़ाकर किया 4,12,000 मीट्रिक टन। इस साल का लक्ष्य है 4,50,000 मीट्रिक टन। स्वास्थ्य सेवा के मामले में गोरखपुर जिले को टॉप 5 में मिला स्थान। 7 योजनाओं की समीक्षा में जिले को 10-10 अंक एवं 1 में मिला 9 अंक। नवंबर की समीक्षा में जिले के सभी योजनाओं में A+ की मिली रैंकिंग। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद की अगुवाई में शहर के अंदर बिना परमिट और बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। दर्जनों ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर यातायात नियमों के तहत की गई कार्रवाई। नवागत SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निस्तारण के लिए निर्देश। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के जन जागरूकता के लिए नगर निगम परिसर से निकाला गया भव्य कलश शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने अपने सर पर कलश रखकर भक्ति गीतों और भजनों का अनुसरण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हुआ संपन्न।